तो हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारा एसएस एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो आज का मोटिवेशनल है, जो नींद और निंदा से विजय पा लिया उसे आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। तो आज कक्षा 9 का प्रश्नावली 1.1 को हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए प्रश्न वन में, संख्या वन में क्या लिखा हुआ है। क्या परिमेय संख्या है? क्या आप इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं? दो क्वेश्चन, एक परिमेय संख्या है और नेक्स्ट है क्या आप इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q इक्वल टू 0 नहीं है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो परिमेय संख्या के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? जिसे हम लोग p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p बराबर 0 और q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल, 0 बटा 1 परिमेय संख्या है, 2 बटा 3 परिमेय संख्या है, 4 बटा 5 परिमेय संख्या है। इस प्रकार से हम लोग ना, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, है ना। यही हमारा क्या है, परिमेय संख्या। अब ध्यान दीजिएगा, तो क्या शून्यक एक परिमेय संख्या है? तो बिल्कुल शून्यक क्या है, एक परिमेय संख्या है। बोला गया है इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। ये p है और ये आपका क्या चीज है, q। p बराबर 0 हो सकता है लेकिन q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं, हां शून्य एक परिमेय संख्या है। आगे ध्यान देंगे, फिर बोला गया है क्या आप इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। लिखेंगे यहां पर भी, हां इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p बराबर 0 और q बराबर 0 नहीं है, है ना। यहीं पर आप लोग क्या हो जाता है, आंसर। शून्य को हम लोग p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p बराबर 0 हो सकता है लेकिन q बराबर 0 नहीं हो सकता, यहीं पर आप लोग क्या हो जाता है, आंसर। तो यहां तक आप लोग को आसानी से समझ में आ गया होगा, और परिमेय संख्या भी समझ में आ गया होगा, जिसे हम लोग p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 2 में क्या है, 3 और 4 के बीच है ना 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, यानी 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है हम लोगों। ध्यान देंगे, हाल में हम लोग क्या करेंगे, 3 और 4 के बीच कितना हम लोग लिखना है, 6 परिमेय संख्या। हम लोग जानते हैं कि हाँ, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, 3 इजकल टू 3 बटा 1। देखिए तो 3 इजकल टू 3 बटा 1 लिख सकते हैं। अब ध्यान देंगे, यहां 6 परिमेय संख्या बोला गया है ना, यानी 6 परिमेय संख्या बोला गया है ना, तो इसका एक नियम है, जैसे आप लोग को 6 बोला गया तो इसका मतलब 7/7 से मल्टीप्लाई करना है, इसका रूल है। 6 बोलेगा तो एक आगे बढ़ जाना है, यानी 7/7। इसी तरह 5 बोलेगा तो 6/6 करेंगे, 3 परिमेय संख्या लिखने बोलेगा तो 4/4 करेंगे। तो यहां कितना बोला गया है, 6, तो 7/ क्या करने दिए हम लोग, 7। और इसका मीनिंग भी समझ आए, 3 और 4 के बीच में,
एग्जाम्पल के लिए मान लिया जाए आपको बोला गया है थ्री और सेवन के बीच में संख्या लिखने बोला गया है ना, तो थ्री और सेवन के बीच में क्या आएगा, फोर आएगा, फाइव आएगा, सिक्स आएगा, ऐसा संख्या बीच में आएगा कि नहीं। तो उसी प्रकार से हमको थ्री और फोर के बीच में आना है, लिखना है, थ्री और फोर के बीच में हमको लिखना है। तो क्या लिखें हम लोग, थ्री और फोर के बीच सिक्स परिमेय संख्या। तो हम लोग ध्यान देंगे थ्री इजकल टू थ्री बटा वन लिखे इंटू सेवन बाय सेवन क्यों लिखे, क्योंकि सिक्स परिमेय संख्या लिखना है ना, थ्री और फोर के बीच में कितना परिमेय संख्या लिखना है, सिक्स, तो इसीलिए हम लोग सेवन बाय सेवन लिखे हैं। अगले बार इसको लिख सकते हैं सेवन को थ्री से मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा, ट्वेंटी वन, और सेवन को वन करें कितना आ जाएगा, सेवन। देखिए थ्री को परिमेय संख्या बना दिए कि नहीं, कितना बन गया, ट्वेंटी वन बाई सेवन। उसी प्रकार से और फोर के लिए क्या कर सकते हैं, फोर इजकल टू फोर बराबर इसको लिख सकते हम लोग फोर बटा वन इंटू, देखिए तो सिक्स परिमेय संख्या बोला गया है ना, तो क्या लिखेंगे सेवन बाई सेवन, फोर को सेवन से मल्टीप्लाई करिए कितना आ जाएगा, ट्वेंटी एट, और सेवन को वंस करिए कितना आ जाएगा, सेवन। अतः थ्री और फोर के बीच कितना परिमेय संख्या लिखना हम लोग को, सिक्स परिमेय संख्या, यही लिखना है हम लोग को। तो ध्यान देंगे एक रफ में बता दे रहे हैं ना, देखिए एग्जाम्पल के लिए थ्री मतलब कितना लिखे हैं, ट्वेंटी वन बाई सेवन, फोर मतलब कितना लिखे हैं, ट्वेंटी एट बाई सेवन, तो लिख देंगे ट्वेंटी एट बाई सेवन। आप इसी के बीच में हमको कितना आना चाहिए संख्या, सिक्स संख्या आना चाहिए ना, तो ऐसा लिख सकते हैं 22 बाय 7, 23 बाय 7, 24 बाय 7, 25 बाय 7, और 26 बाय 7, और 27 बाय 7, ऐसा हमको संख्या लिखना है। तो देखिए तो इसका और इसका बीच में इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 3 हुआ और इसका मतलब कितना हुआ, 4। देखिए तो 7 चौके 28 और 7 तिया 21 आ रहा है कि नहीं, इसका बीच में काउंट करिए तो एक दो तीन चार पाँच छः संख्या आया कि नहीं, तो थ्री और फोर के बीच में सिक्स लिखना था, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 22 बाय सेवन, फिर से लिखेंगे 23 बाय सेवन, 24 बाय सेवन, 25 बाय सेवन, 26 बाय सेवन, और 27 बाय सेवन, यहीं पर आप लोग क्या हो जाता है आंसर। तो आप लोग यहाँ तक आसानी से समझ में आ गया होगा, ये आप लोग को समझने के लिए बता दिया गया है। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 3 को हल करते हैं। 3 बटा 5 और 4 बटा 5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। पिछले बार हम लोग देखे थे संख्या में ना 3 और 4 के बीच में, अभी है बाटा के रूप में यानी भिन्न के रूप में है ना, तो आप लोग इसे डरना नहीं है, बिल्कुल जैसा प्रश्न को हल किए थे पिछले बार वैसा ये भी बनेगा, वही ट्रिक से उसी नियम से। तो 3 बटा 5 और 4 बटा 5 के बीच कितना हमको लिखना है, 5 परिमेय संख्या। यहाँ जिसे हम जानते हैं कि है ना कि 3 बटा 5 को हम लोग लिख सकते हैं, 3 बटा 5 ही लिख दिया, पिछले बार संख्या था जैसे 3 था तो हम लोग क्या कर दिए, 3 बटा 1 परिमेय संख्या बना दिए थे, अभी क्या लिखे हैं, 3 बटा 5 है, 3 बटा 5 ही लिख दिए। अब ध्यान देंगे किसे मल्टीप्लाई करना है ना, पिछले बार लिखा हुआ था 6 परिमेय संख्या तो हम लोग 7 से मल्टीप्लाई किए थे, एक नंबर आगे बढ़े थे, अभी 5 लिखा हुआ है तो 6 बाय 6 करेंगे, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 18, और 6 को 5 करेंगे कितना आएगा, 30, माना 18 बटा 30,
और उसी प्रकार 4/5 इक्वल टू क्या बनेगा, 4/5 किसे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 लिखा हुआ है ना, तो ऊपर भी लिखेंगे 6, नीचे भी क्या लिखेंगे 6, मल्टीप्लाई करिए 4 को 6 करिए 600 कितना आ जाएगा 24, और 5 को 6 करिए कितना आ जाएगा 30। अब ध्यान देंगे, अतः 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या। ध्यान देंगे, फिर से यहां पर लिख के बता रहे हैं आप लोगों को, 3/5 मतलब क्या है 18/30, अब 4/5 बराबर कितना है 24/30, तो 24/30 ये आप लोगों को समझने के लिए बता दिया जा रहा है ना, ध्यान देंगे। और इसी के बीच में हम लोग को लिखना है 5 परिमेय संख्या, कितना लिखना है हम लोग को 5 परिमेय संख्या आसानी से, है ना, 18 के बाद कितना आएगा 19 बाय कितना आएगा 30, फिर 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। देखिए तो काउंट करिए 1, 2, 3, 4, 5, ध्यान देंगे ना, इसका और इसका बीच में 1, 2, 3, 4, 5 संख्या आया कि नहीं, तो कितना परिमेय संख्या हमें लिखना था 5 परिमेय संख्या, तो इसी को हम लोग लिखेंगे, कितना लिखेंगे 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और क्या बच गया एक, और कर देते हैं 23/30, यहीं पर आप लोग क्या हो जाता है आंसर। तो आप लोग ये प्रश्न भी आप लोग को आसानी से समझ में आ गया होगा, तो चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 4 को हल करते हैं। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, यानी सही है या गलत है, कारण के साथ अपने उत्तर को दीजिए, ध्यान दीजिएगा। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, पहला क्वेश्चन है। दूसरा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, थर्ड में क्या है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसमें क्या क्या चीज हमको जानना है, प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या, तीनों के बारे में हम लोग अच्छा से हम ना समझते हैं, ध्यान देंगे। प्राकृत संख्या बोलेंगे या प्रकृति संख्या बोलिएगा, है ना। नेक्स्ट है पूर्णांक संख्या और थर्ड आप लोग क्या है परिमेय संख्या, और एक देख लीजिए थोड़ा सा, है ना, पूर्ण संख्या भी देख लेते हम लोग, पूर्ण संख्या, ध्यान देंगे। प्राकृत संख्या उसको बोलेंगे यानी प्रकृति संख्या उसको बोलेंगे जो 1 से शुरू होगा, है ना, जैसे काउंटेबल संख्या 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से, समझ में आ गया, किसे शुरू होगा 1 से शुरू होगा। उसी प्रकार ध्यान देंगे पूर्ण संख्या, देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये भी समझ में आ गया, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होगा, पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह शुरू होगा, दोनों कॉम्बिनेशन में मिलता जुलता है, इसलिए बता दिए पहले, प्राकृतिक संख्या क्या होगा 1 से शुरू होगा, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत आप लोग नहीं होना चाहिए। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या क्या है ध्यान देंगे 2, 3, 4, 5 कुछ भी इस तरह से आ सकता है आप लोगों का संख्या, है ना, ये आपका बन गया पूर्णांक संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या क्या है 1/2, 5/7, है ना, 4/11 etc, ये क्या है आपका परिमेय संख्या है। अब ध्यान देंगे परिमेय संख्या, आप ये तो पूरा हम लोग जानकारी हो गया, प्राकृत संख्या क्या होगा जो 1 से शुरू होगा, पूर्णांक संख्या 2, 3, 4, 5 इस तरह से रहे कोई भी नंबर में रहेगा,
परिमेय संख्या जो बटक रूप में रहता है, पी बटक यू के रूप में रहता है। पूर्ण संख्या जो जीरो से शुरू होगा, 0, 1, 2, 3, 4, आसानी से हम लोग समझ में आ गया। अब आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है ना, सत्य है कि असत्य है, हम लोग यहां पर बता देते हैं साइड में। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, आपको बोला जा रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्राकृत संख्या क्या है? 1 से शुरू हो रहा है। अरे कहां शुरू हो रहा है? 0 से। तो ध्यान देंगे 1, 2, 3, 4, 5, यहां भी तो 1, 2, 3, 4, 5 है। प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है ना। कि देखिए 1, 2, 3, 4, 5 यहां भी है और 1, 2, 3, 4, 5 यहां भी है। अब ध्यान देंगे, आप लोग ये नहीं कहना है कि यहां 0 है, कॉम्बिनेशन यहां से करिए, 1, 2, 3, 4, 5 मिल रहा है, 1, 2, 3, 4, 5 मिल रहा है, इसलिए राइट है यानी सही है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, याद रखना है ना। नेक्स्ट, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, बोल रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, यही बोला जा रहा है। तो पूर्णांक मतलब ध्यान देंगे 2, 3, 4, 5 इस तरह है ना। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ध्यान देंगे पूर्णांक है ना, देखिए कैसे लिखा है 2, 3, 4, 5 इस तरफ लिख रहे हैं कि नहीं। आपको बोला है पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं? 0, 1, 2, 3, 4 ऑलरेडी हम लोग जानते हैं पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है, ध्यान देंगे। और यहां बोला प्रत्येक पूर्णांक ये कभी भी पूर्ण संख्या हो सकती है, पूर्णांक पूर्ण संख्या हो सकती है, कभी नहीं हो सकती। देखिए पूर्णांक 2, 3, 4, 5 इस तरह शुरू हो रहा है, अब पूर्ण संख्या कैसे हो रहा है? 0 से शुरू हो रहा है, इसलिए क्या है? गलत है, ये कभी भी नहीं हो सकता है ना। ये भी आप लोग का आसानी समझ में आ गया, रिपीट कर रहे हैं। पूर्णांक संख्या देखिए 2, 3, 4, 5 है, अब पूर्ण संख्या देखिए 0, 1, 2, 3, 4 तो पूर्ण संख्या 0 शुरू हो रहा है, अब पूर्णांक संख्या 2, 3, 4, 5 इस तरह से आ रहा है, इसीलिए पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। आगे ध्यान दीजिएगा, यहां तक आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट थर्ड क्या है? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ध्यान देंगे प्रत्येक परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या देखिए 1/2, 5/7, 4/11 इस तरह से है कि नहीं। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है, तो ये भी नहीं हो सकती है, हो सकती है आप ही बताइए। इसको आप लोग अच्छा से याद कर लीजिएगा, आप लोग को है ना, ये प्रश्न को हल करने आप लोग को काम आएगा, समझ में आएगा है ना। अरे वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए, और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारा SS एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय 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 बच्चों।